हेलो एवरीवन बेटा, एनसीईआरटी रिकॉल 2.0 का ये सेकंड लेक्चर है बॉटनी का। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, हमारी टीम ने प्रॉमिस किया था कि यार देखो, अभी जो कंडीशन चल रही है, मैं मानता हूं डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं बहुत मुश्किल है आपके लिए पढ़ना, पर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 8 जुलाई को जो डिसीजन आएगा उसमें हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जाएं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं उस चीज का सपोर्ट नहीं करता, पर मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि हमें उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एनसीईआरटी रिकॉल में आज हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल की, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, चीजों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि यार जो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ना, वो सारे सेल्स के लिए होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो होता है। और सभी सेल क्या होते हैं, वो क्या शो करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, ये सारी चीजें शो करते हैं। आपको ये समझना है कि हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट हम मेनली किसके लिए बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल के लिए। तो जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, सेल साइकिल की, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिसे हम कहते हैं सेल डिवीजन, एम फेज। उसके बाद जो बच जाता है उसे कहते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या होता है बेटा, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज होता है। यस, आप मुझे ये बताओ इंटरफेज में कौन कौन से फेज है। सर जीवन है एस और G2 है। अच्छा, जीवन एस G2 जो है उसमें किसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सर एस फेज में होती है। ईस्ट सेल कितने टाइम में डिवाइड करता है, सर 90 मिनट में डिवाइड करता है, 90 मिनट में डिवाइड करता है ईस्ट सेल। यस है ना, 90 मिनट में डिवाइड करता है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन सेल कल्चर में कितने टाइम में डिवाइड करता है, सर 24 आवर में करता है। Yes. उसके बाद मैं ये कह रहा हूं बेटा एम फेज में क्या होता है, सर एम फेज में सेल डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है। फिर वो जीवन फेज में क्या करता है, हम ये देखेंगे। फिर एस में क्या करता है, G2 में क्या करता है। जीवन फेज को गैप वन कहते हैं। जीवन फेज में क्या होती है, ग्रोथ होती है। यस यस, ग्रोथ होती है। उसके अलावा क्या होता है बेटा, प्रोटीन वगैरह बनता है। जीवन फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए हम क्या लेते हैं, 2C लेते हैं, और सेल की प्लॉयडी क्या लेते हैं, 2N लेते हैं। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, इसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। जीवन फेज 8 से 12 घंटे का, 24 घंटे में से, और एस फेज है बेटा हमारे पास 6 से 8 घंटे का। G2 फेज है मेरे पास कितना टाइम बताओ, 3 से 4 घंटे का। ये कुछ परसेंटेज बताइए, 95% टाइम किसका, इंटरफेज का। सिर्फ मेरे पास क्या है बेटा, 5% मेरे पास क्या है, एम फेज है। यस, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन। उसके अलावा सेंट्रियोल डबल होता है एनिमल सेल में, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। हिस्टोन भी मेरे पास एस फेज में बन जाती है। G2 फेज में सेल तैयारी करता है किसके लिए, सेल के डिवीजन के लिए। G2 फेज में भी बेटा हमारे पास कुछ ऑर्गेनल्स डबल होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। यस, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस जीवन में भी होती है, G2 में भी होती है। अच्छा, G2 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, अगर जीवन फेज में 2C है तो G2 फेज में 4C होगा। अगर प्लॉयडी पूछूं, प्लॉयडी तो जीवन में अगर 2N है तो G2 में क्या होगा, सर G2 में हमारे पास 2N होगा। तो क्रोमोसोम नंबर सेल साइकिल में नहीं बदलते, अमाउंट ऑफ डीएनए बदलता है। यस, एनसीईआरटी ने एक बात और बोली है बेटा कि जो हैप्लॉइड सेल है उसमें माइटोसिस प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल में क्या होता है बेटा, माइटोसिस डिप्लॉइड में होती है। यस और नो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे एम फेज की, किसकी बात करते हैं, एम फेज की। मुझे बताओ एम फेज को कहते हैं माइटोसिस। दो स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। एनसीईआरटी कहती है कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन होता है किसका, साइटोप्लाज्मिक मटीरियल का और न्यूक्लियर मटीरियल का। यस, तो एम फेज में सबसे पहले आ जाता है प्रोफेज। यस, प्रोफेज को एनसीईआरटी कहती है कि जो डीएनए डबल हुआ था ना वो आपस में इंटरवाइंड था। इंटरवाइंड समझ में आता, उलझा हुआ था। यस, इंटरवाइंड था आपस में। पहले क्या होता है वो अनटेंगल्ड होगा, फिर वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोफेज में क्या क्या याद करोगे, डीएनए कंडेंस हो रहा है, क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है, जिसके दो सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या पूरी तरीके से कंडेंस होता है, नहीं। यस, प्रोफेज में क्या डीएनए पूरी तरह से कंडेंस होता है, नहीं, पूरी तरह से नहीं होता, वो मेटाफेज में होता है। अब मेरे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम दिख जाता है। यस, उसके अलावा क्या होता है बेटा, उसके अलावा सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, उससे स्पिंडल फाइबर आ जाते हैं। अब मुझे बताओ कौन कौन सी ऑर्गेनल प्रोफेज में टूटती है, याद करो ER, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूटनी स्टार्ट कर देती है। क्या पूरी तरह से टूट जाती है, नहीं, पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब टूटती है, मेटाफेज में। तो मेटाफेज का पहला इवेंट क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस, उसके बाद क्रोमोसोम की कंडेंसेशन पूरी हो जाती है।
क्रोमोसोम पर क्या आ जाता है, काइनेटोकोर, किस पे, सेंट्रोमियर पे, उससे क्या अटैच हो जाता है, स्पिंडल फाइबर। और क्रोमोसोम को सबको किस में ले आते हैं, सेंटर में ले आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं। यस, एक क्रोमोसोम से दो थ्रेड अपोजिट पोल पे अटैच हो जाते हैं। यस, ये चीज समझ में आ रही है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी है मेटाफेज में, क्रोमोसोम फुली कंडेंस हुआ है और वो मेटाफिजिक प्लेट पे अलाइन हो गया है और एक क्रोमोसोम पे दो थ्रेड लग गए हैं। उसके बाद याद करो बेटा, उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे। आप याद करो, सेंट्रोमियर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स पोल और उसकी आर्म्स बेंड कर जाती हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड। सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। यस, अलग अलग शेप दिख सकती है, वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप, जे शेप, एल शेप, आई शेप। जो आपका कौन सा क्रोमोसोम है, जो हम कहते हैं ना मेटासेंट्रिक, वो वी बनाता है इन्वर्टेड, सब मेटासेंट्रिक एल बनाता है, एक्रोसेंट्रिक जे बनाता है और टीलोसेंट्रिक आई बनाता है। यस, अब क्या है बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। टीलोफेज में वो क्या हो जाता है बच्चे, वो क्रोमोसोम अपनी क्या आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं और क्रोमोसोमल मटेरियल की फॉर्म में अपोजिट पोल पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, स्पिंडल फाइबर टूट जाते हैं वापसी। यस यस यस, तो मेरे पास दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे आ जाते हैं जिनका अमाउंट ऑफ डीएनए वापसी 2c है। क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है? हाँ सेम है। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग है। एनिमल सेल में फरो बनती है, इनवेजिनेशन बनती है, फरो बनती है और वो क्या होती है, डीपन्स होती जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंटर पे मिल जाती जाके, फरो मेथड कहते हैं इसे, क्लीवेज मेथड। एंड प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी में लिखा है कि लेटरल साइड से हमारे पास क्या बनता है, सेल प्लेट बनती है जो किसकी है, मिडल लैमेला कहते हैं, जो किसकी बनी है, कैल्शियम पैक्टेट की। फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं, सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होती है, इसमें क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ क्या बनती है, सेल प्लेट, मिडल लैमेला बनती है। सिनकाइटियम, अगर न्यूक्लियस रहे और आप क्या ना हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, सिनकाइटियम कह देते हैं। यस, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। माइटोसिस न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो को वापसी रेस्टोर करता है। जब सेल ग्रो करता है ना तो न्यूक्लियस का साइज उतना नहीं बढ़ता, साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ जाता है, उस साइज को रेस्टोर करता है न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो को। उसके अलावा बेटा ग्रोथ कराता है, रीजनरेशन कराता है। और एक चीज और है बेटा, जो सोशल इंसेक्ट है ना उसमें माइटोसिस होती है, किसमें, उसके गैमेट्स में होती है। उसके अलावा हम लिखते हैं स्किन सेल में होगी, गट में होगी और अनियन की टिप में माइटोसिस होती है। यस, मियोसिस की बात कर लेते हैं। मियोसिस क्या है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। यस, तो मियोसिस बच्चे हमारे पास उन सेल्स में होती है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं रिलेट हो, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है। हमारे पास जब एक बार एस फेज हो जाता है ना और G2 हो जाता है तो वो डिप्लॉइड सेल दो बार डिवाइड करता है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में क्या है बेटा, इंटरकाइनेसिस है। याद करो इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, सर इंटरकाइनेसिस में सिर्फ सेंट्रियोल डबल होता है। क्या डीएनए रेप्लिकेशन होता है? नहीं। क्या क्रोमोसोम पूरी तरीके से खुलता है? नहीं। अब बात कर लेते हैं एक बार मियोसिस वन की। मियोसिस वन के फेजेस कौन कौन से, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। यस, साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फिर प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू। प्रोफेज वन में खुद से बहुत सारी स्टेज, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है बेटा प्रोफेज ऑफ, अगर माइटोसिस से कंपेयर करोगे तो कॉम्प्लेक्स है प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस। उसमें मेरे पास पहली स्टेज है लैप्टोटीन, क्रोमेटिन सिर्फ कंडेंस होता है और ये कंडेंसेशन थ्रू आउट चलती है। उसके बाद आ जाता है जाइगोटीन, जो क्रोमोसोम अपीयर होते हैं वो पेयर करते हैं, पेयर करने वाले इन क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस, उन्हें साथ कौन रखता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज साइनेप्सिस। यस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कैसे दिखेगा, नॉर्मल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। उसके बाद भी याद कर बेटा कि मेरे पास जब ये साथ आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सर बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब दो क्रोमोसोम, एक और नाम है टेट्राड। यस, कितने टेट्राड होंगे ह्यूमन सेल में बता, कितने टेट्राड होंगे, सर 23 जोड़े, 23 टेट्राड होंगे। यस, याद आ रहा है हमें। जो पहली दो स्टेजेस हैं बेटा, पहली दो स्टेजेस जो है वो फिर भी हमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिख जाती हैं। उसके बाद की सारी स्टेज किसमें दिखती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। फिर आ जाती है पैकेटिन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे रैप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बन गया। रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल के पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए। पैकेटिन किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के। याद है आपको कि अगर दो ऐसे क्रोमोसोम जो होमोलोगस का पार्ट नहीं है उनके बीच में एक्सचेंज हो तो क्या बोलते थे, याद करो उनके बीच में एक्सचेंज को हम क्या बोलते थे, याद आ रहा है, म्यूटेशन का एक पार्ट था।
याद करो, याद करके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। हम पढ़ते थे ना डुप्लीकेशन, याद करो वहां से रिलेट किया था, यस। अब आ जाओ जरा, अब ये हो गया हमारे पास, ये हमने क्रॉसिंग ओवर करा ली है। अब क्या हो रहा है बेटा, क्रॉसिंग ओवर के बाद, अब वो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वो कौन करा रहा है, वही कॉम्बिनेशन एंजाइम। अब आ जाते हैं डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर आएगा जिसे कहेंगे चेयसमेटा। तो चेयसमेटा कब दिखेगा, डिप्लोटिन में। डिप्लोटिन में मैमिलियन ओसाइट अरेस्ट भी हो जाता है, यस यस। उसके बाद क्या कर रहे हैं बेटा, अब वो क्या होगा, चेयसमेटा आ गया और मेरे पास डायकाइनेसिस में इसकी टर्मिनलाइजेशन होगी। तो चेयसमेटा कब दिखेगा, डिप्लोटिन, टर्मिनलाइजेशन कब होगी बेटा, जल्दी बता, टर्मिनलाइजेशन कब हो गई मेरे पास डायकाइनेसिस में। डायकाइनेसिस में बाकी के सारे प्रोसेस हो जाते हैं, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और क्रोमोसोम पे क्या अटैच हो जाते हैं हमारे पास, क्या स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। अब आ जाते हैं बेटा मेटाफेज वन, मेटाफेज वन में क्रोमोसोम का पेयर अटैच हो जाता है, किसपे, मेटाफेजिक प्लेट, पेयर अटैच होता है जहां पर एक क्रोमोसोम से धागा ऊपर एक नीचे। अगर माइटोसिस का मेटाफेज था तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड से एक एक धागे थे, यहां पेयर से एक धागा और ऊपर नीचे है, यस, ये चीज समझ आ रही है। अब मेटाफेजिक प्लेट बन गई जहां पर एक पेयर ये है, एक पेयर पीछे, एक पेयर ऐसे, इससे एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, एनाफेज वन। अब ये जो जोड़ा है ना, क्रोमोसोम पेयर है, ये आपस में अलग हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि क्रोमोसोम नंबर किसमें हाफ होते हैं मियोसिस में, एनाफेज वन में, अगर मेरे पास ये 46 क्रोमोसोम थे, 23 ऊपर 23 नीचे, यस, तो एनाफेज वन में क्या होती है, क्रोमोसोम की क्या होती है, सेग्रीगेशन होती है, अलग हो जाते हैं, जोड़ा अलग हो जाता है, क्लियर। और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसे हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यस। अब क्या होगा टेलोफेज वन में, एक ऊपर न्यूक्लियस बन गया, एक नीचे। अब ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है बेटा, 2n से n हो गए दोनों, पर हर एक में क्या है, क्रोमोसोम कैसे है, सिस्टर क्रोमेटिड के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि पहले मान लो ये पेयर था, पेयर ये ऊपर चला गया, पर इस क्रोमोसोम में अभी भी तो दो क्रोमेटिड है, इसमें भी दो क्रोमेटिड है, तो इसका मतलब ह्यूमन के 46 सेल में से 23 ऊपर 23 नीचे, और उनमें क्या है बेटा, ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्या है, अभी भी जुड़े हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, हम पढ़ेंगे मियोसिस टू। मियोसिस टू माइटोसिस जैसी होती है जिसमें हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, तो इसलिए मियोसिस टू को इक्वेशनल डिविजन भी बोल सकते हैं, यस। मियोसिस वन और टू के बीच में इंटरकाइनेसिस होता है, एनसीईआरटी कहती है कि यार पूरी तरीके से क्रोमोसोम मटेरियल खुलता नहीं है, डीएनए डबल नहीं होता, बस याद ये रखना कि सेंट्रियोल डबल होता है, क्या डबल होता है बेटा, सेंट्रियोल डबल हो जाता है, यस। अब मेरे पास मान लो मियोसिस टू की बात कर रहे हैं, मियोसिस टू में प्रोफेज वन में फिर कंडेंसेशन होगी, मेटाफेज वन में क्या होगा बेटा, अब क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे दो प्लेट बनेंगी, ऊपर एक नीचे, अब इस पर सिस्टर क्रोमेटिड से एक धागा इधर दूसरा धागा इधर, इसका मतलब जैसे माइटोसिस के मेटाफेज में हुआ था ना, ऐसे ही मेटाफेज टू में होगा, सिस्टर क्रोमेटिड से एक धागा इधर एक धागा इधर। अब एनाफेज टू में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे, जैसे एनाफेज माइटोसिस का था ना सिस्टर क्रोमेटिड अलग होना, ऐसे ही एनाफेज टू में होगा, यस। अब टेलोफेज टू में क्या होगा, चार जगह न्यूक्लियस मिल जाएगा, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, कितने क्रोमोसोम है अगर ह्यूमन का सेल है, 23 23 23 23 23, इसका मतलब मियोसिस वन में जब ये हाफ हुए 23 क्रोमोसोम यहां 23 क्रोमोसोम यहां, मियोसिस टू में सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए तो 23 इधर 23 इधर 23 इधर 23 इधर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस। तो मियोसिस टू हो गई हमारे पास। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है बेटा, कि मियोसिस वैसे तो क्रोमोसोम नंबर हाफ करती है, पर अगर आप ध्यान से देखो मियोसिस जो है रेस्टोर करती है क्रोमोसोम की संख्या, क्योंकि स्पीशीज में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन से संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्लियर है, यस। आप मियोसिस से रिलेटेड बेटा बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मेन मियोसिस वन की है, आपको ये सारी डिटेल याद रखनी है, इसके अलावा आप प्लॉयडी याद रख सकते हो, ठीक है, किसमें हाफ हुआ किसमें नहीं हुआ। दूसरा, एक मियोसिस से कितने सेल बनते हैं, चार। सीड वाला क्वेश्चन कर सकते हो कि एक मियोसिस से चार एग सेल बनते हैं, नहीं एक एग सेल बनता है, और सीड के लिए एक एग और एक क्या चाहिए, एक पॉलन चाहिए, तो एक मियोसिस से चार पॉलन बनते हैं और एक मियोसिस से एक एग बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे, ध्यान से सुनना, मुझे अगर चार सीड चाहिए तो मुझे चार मियोसिस फीमेल के लिए चाहिए और एक मियोसिस मेल के लिए, क्योंकि चार पॉलन यहां से बनेंगे और चार एग यहां से, तो टोटल पांच मियोसिस से चार सीड बनते हैं, ठीक है। 10 मियोसिस से 8 सीड बनेंगे, 100 मियोसिस से 80 सीड बनेंगे, ये वाले क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने बेटा मोर और लेस 80-90% चीजें रिपीट कर दी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब टूटती है, मेटाफेज में टूटती है ना, काइनेटोकोर डिस्कलाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना हुआ अपियर होता है सेंट्रोमियर पे, यस। एनाफेज में
सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, तुम पढ़ चुके हो बच्चे, सारा तुम्हें याद है, बस दिमाग में बिठाओगे तो याद होगा, फटाफट से एनसीईआरटी रीड करो। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्मार्ट वन शॉट में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई थी जो कम समय में थी, 2 घंटे 24 मिनट में, या मेरे ख्याल से 3 घंटे के आसपास, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, 3 घंटे में 3 चैप्टर है, ये आपको अभी बेनिफिट करेंगे रिवाइज करने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं।